प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है, जहां लघु एवं सीमांत कृषकों को 26 लाख निःशुल्क बीज मिनिटिक वितरण। मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा ने इसकी बजट में घोषणा की थी। अब खरीफ सीजन में कृषि विभाग उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बीज दे रहा है। कृषकों को ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ व मक्का की उन्नत किस्मों का बीज मिनिटिक दिया जा रहा है। 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख को बाजरा, 4 लाख को मूंग, 1-1 लाख कृषकों को ज्वार मिलेंगे व मोठ बीज के मिनिटिक बाजरा दिए जाएंगे। आपको बता दें कि बाजरा मिनिटिक 1.5 किलो, ज्वार मोट व मूंग मिनिटिक 4 किलो और मक्का मिनिटिक 5 किलो दिया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सुनील यादव। सुनील यादव, मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा ने घोषणा करी थी अपने बजट के अंदर और अब मिनिकट किसानों तक पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि केवल 12 लाख लोग ही इससे लाभान्वित होंगे, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? बिल्कुल सौरभ, जो मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा ने बजट में घोषणा की थी कृषकों को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, बेहतर प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि खेती किसानी में अच्छा बीज नहीं मिल पाने की वजह से जो किसान है अगर पीछे रह जाते थे, अभी 12 लाख किसान जो लघु और सीमांत किसान है उनको बीज मिनिकिट का वितरण शुरू हो गया है, जिसमें खरीफ की फसल है उसके जो बीज है वो दिए जा रहे हैं, जिसमें बाजरा, मोठ, मूंग और जो ज्वार है, मक्का है, ये बीज फिलहाल वितरित किया जा रहा है। और इसके अलावा जो अलग अलग जिलों में जिस तरह से जो जिस फसल का ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो वहाँ उस हिसाब से भी देखा जा रहा है। लेकिन जो आपने सवाल किया बिल्कुल सही है कि जो सभी किसान है वो इसके लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि दायरा बढ़ाना चाहिए इसमें। और जो एक तय जो किसान इसमें बताए हुए हैं कि 12 लाख, क्योंकि किसानों की संख्या काफी ज्यादा है और लघु और सीमांत किसानों का जो दायरा है वो भी बढ़ रहा है, कि एक जमीनी जो एक हकीकत है, जमीनी एक्सरसाइज करने के बाद इस तरह के जो फैसले लिए जाने चाहिए। हालांकि जिन किसानों को ये बीज वितरित होगा ये उत्तम किस्म का बीज है और इससे जो प्रोडक्शन है वो बेहतर होगा। इसमें एक और सवाल ये भी उठता है कि जितना किलोग्राम बीज दिया जा रहा है खेत उससे ज्यादा है किसानों के पास, तो ऐसे में वो किसान पूरी रूप से अपने पूरे खेतों में उन्नत किस्म का बीज नहीं बो पाता है। तो देखा जाए तो अभी ये एक जो शुरुआती मदद हो सकती है, लेकिन अगर एक पूरे परिप्रेक्ष्य में किसानों को संबल आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की बात की जाए तो अभी और सुधार की जरूरत है। जितनी खेती है, जितनी उपजाऊ जमीन है उसके लिहाज से बीज यहाँ पर दिया जाना चाहिए, संभवतः इस पर भी सरकार विचार करेगी, लेकिन फिलहाल ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए।